नमस्कार दोस्तों, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर। डॉन अतीक पत्नी मौत, हडकंप, पुलिस फोर्स तैनात। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज पुलिस अतीक की पत्नी और कुख्यात गुड्डू मुस्लिम की ताबड़तोड़ तलाश कर रही है। वहीं दोस्तों बता दें, दोनों लगातार पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहे हैं, कभी वहां तो कभी यहां। लेकिन इस बीच खबर आई है कि शाइस्ता ने खुदकुशी की कोशिश की है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। अब आइए जान लेते हैं पूरी जानकारी। मिली जानकारी के अनुसार प्रयागराज पुलिस को आज अतीक अहमद के चकिया स्थित कार्यालय में कुछ खून के धब्बे मिले हैं और एक चाकू भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि चाकू में भी खून के निशान पाए गए हैं। फिलहाल सूचना मिलने से मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। एसीपी प्रयागराज सत्येंद्र प्रसाद तिवारी ने बताया कि आज ही सूचना मिली कि अतीक अहमद के चकिया स्थित कार्यालय में खून के धब्बे दिख रहे हैं। हमने जांच के लिए एफएसएल की टीम बुलाई। नीचे सीडी के पास लाल रंग के खून तुवा धब्बे दिख रहे हैं और अंदर किचन के पास भी खून के धब्बे दिख रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में अतीक अहमद के दफ्तर में पुलिस को जाँच के दौरान खून के धब्बे और चाकू भी मिला है। वहीं साथ ही बता दें, एसटीएफ ने गुड्डू मुस्लिम के सिर पर इनाम रखा है और ये भी खुलासा हो चुका है कि गुड्डू मुस्लिम ने अतीक अहमद के बेटे असद को गाड़ी से बाहर निकालने के लिए उकसाया था। एसटीएफ जल्द ही गुड्डू मुस्लिम को पकड़ सकती है। और जान लें कि गुड्डू मुस्लिम को उमेश पाल हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज में कथित रूप से बम फेंकते हुए देखा गया था। हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।